स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी टिप्स में, संकल्प जीत की में। मैं प्रीतम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो ये जो ब्लैक फंगस है, क्या ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है? क्या हमारा दुनिया फिर से किसी खतरे के चंगुल में फंसने जा रहा है? तो दोस्तों आइए ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस, क्या ये कोई नई बीमारी है? तो दोस्तों ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये सदियों से हमारे साथ साथ चलते आ रही है। लेकिन हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है इस फंगस को, इस म्यूकर माइकोसिस को हमारे शरीर में कुछ करने से रोकता है दोस्तों। लेकिन जब जब किसी पेशेंट को कोविड-19 हो रहा है तो उसमें किस तरह से ये म्यूकर माइकोसिस अपना असर दिखाता है, हम लोग आज उसके बारे में बात करते हैं। ये जो म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस है, एक बहुत ही रेयर लेकिन बहुत डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन है। और ये जो है बहुत ही किस किस चीज़ से के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है? तो नोज है, हमारा नाक, आँख या फिर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और ये हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों। तो ये जो हमारा जो सेकेंड वेव चल रहा है कोविड-19 का, तो इसमें जो पेशेंट कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, जो ठीक हो चुके हैं या फिर जो ठीक हो रहे हैं, उनमें एक खास किस्म का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया जा रहा है दोस्तों। और देखा जा रहा है कि ये बहुत ही घातक बीमारी है, लोग इसमें बहुत मर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लोग इसमें बहुत मर रहे हैं। अगर 10 लोगों को ये बीमारी हो रही है तो उनमें से 8 मर जा रहे हैं, मतलब मोर्टेलिटी रेट 70 से 80% का है। तो ये जो म्यूकर माइकोसिस है किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो सॉयल, प्लांट्स, मैन्योर यानी कि खाद वगैरह में, डिकेइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह में पाए जाते हैं दोस्तों। तो वो वेजिटेबल्स, वो प्लांट्स, वो सॉयल जो कि बहुत सड़ चुके हैं, ठीक है, तो उस पर जो कुछ फंगस टाइप का, कुछ वाइट वाइट फंगस, फिर उसके बाद वो ब्लैक होकर क्या होता है, एनवायरनमेंट में उड़ने लगते हैं। फिर जब हम एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमारा नोज जो इसके एक्सपोजर में आता है और हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये जो फंगस है, ये जो फंगस है हमारे नोज के थ्रू हमारे नोज में चला जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे शरीर का अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा तो ये फंगस कुछ असर नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो फंगस है हमारे नोज में, वेजाइना में या फिर किसी भी शरीर के अंग में क्या होता है, रहता है, लेकिन हमारे स्ट्रांग इम्यूनिटी के कारण ये कुछ असर नहीं दिखा पाता है दोस्तों। लेकिन आजकल जो इम्यूनिटी वीक हो रहा है कोविड-19 के कारण, या यूँ कहें कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, या जिसके जिसको HIV/AIDS है, उन लोगों को ये म्यूकर माइकोसिस बहुत ही अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है ये ब्रेन के साइनसेस को, ब्रेन को, लंग्स को, या फिर बोल सकते हैं आईज़ को। अगर ये बीमारी हो जाता है तो आईज़ को भी निकालना पड़ जाता है दोस्तों। तो क्या करना है इन बीमारी, इसके बारे में हम इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य मेरा ये नहीं है कि आपको डराना है, बस आपको आगाह करना है कि इसको हल्के में ना ले। अगर आपको किसी भी तरह का जो सिम्टम्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो अगर वैसा कोई सिम्टम्स आपको दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह ले दोस्तों। तो ये होता है ब्रेन, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? तो साइनस, ब्रेन के साइनस को, ब्रेन का साइनस होता है 4 टाइप का, ये देखिए यहाँ पर है, इसे बोलते हैं फ्रंटल साइनस। ये जो है दोस्तों ये है एथेनोइड साइनस, एस्फेनोइड साइनस, और ये है मैगजिलरी साइनस। तो जो जो फंगस है, जो म्यूकर माइकोसिस है, इन आईज के, नाई नोज के थ्रू जाकर ये जो साइनसेज है इसको अफेक्ट करता है, आईज में चला जाता है, आईज के थ्रू वो चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। कभी कभी देखा जाता है कि मेनिनजाइटिस हो गया इसके इसके थ्रू, ये जो मेनिनजाइटिस कर देता है रोगियों में, या फिर कभी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो किडनी खराब हो जाता है, या फिर लोग कोमा में चले जाते हैं, लंग्स खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है। तो बहुत ही घातक बीमारी है दोस्तों। आइए इसके कुछ सिम्टम्स पर बात करते हैं, इनके प्रिवेंशन पे, इससे कैसे बचा जा सकता है और इनमें हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए दोस्तों। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाता है कोविड-19 के समय में, और उन्हें कोविड-19 होने का खतरा भी होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको रेगुलर चेकअप कराना है अपने शुगर लेवल का। आपको कोविड है या नहीं है, फिर भी आपको रेगुलर चेकअप कराना है अपने शुगर लेवल का। दूसरा बात है कि आपको जो है, जब आप कोविड का, आपके घर या परिवार में या कोई पड़ोसी में कोविड का ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उसे एस्टेरॉयड जो दिया जाता है वो आप एक डॉक्टर के सलाह से बहुत ही सेफली एस्टेरॉयड को ले दोस्तों। दूसरा बात है कि आपको जो आपको वाटर ड्रिंक करना है वो बहुत ही साफ पानी होना चाहिए, क्लीनलीनेस का बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों अभी। और
और क्या करना है कि यो जो किसी भी टाइप का अल्सर हो, ओरल हो या फिर किसी भी टाइप का अल्सर आपके शरीर पर, कोई काले दाग धब्बे हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उन किन व्यक्तियों में किन किन व्यक्तियों में ये जो म्यूकर माइकोसिस है, इसका अफेक्शन अफेक्ट ज़्यादा कर रहा है दोस्तों, तो ये जो म्यूकर माइकोसिस है, इसका मोर्टैलिटी रेट, इससे होने वाले जो इन्फेक्शन है, इससे लोगों को जो इन्फेक्शन हो रहा है, उसका मोर्टैलिटी रेट लगभग 70 से 80% है। यानी कि अगर 10 लोगों को इन्फेक्शन ये हो रहा है, तो उनमें से 8 लोग के मरने का चांसेस है दोस्तों। तो ये बहुत ही घातक है। और इस ये क्यों हो रहा है, तो इम्यूनिटी वीक होने के कारण हो रहा है। जो कोविड-19 पेशेंट्स है, उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, तो एस्टेरॉयड के द्वारा। एस्टेरॉयड के द्वारा जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो उस टाइम के लिए तो बच जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वो शरीर जो इम्यूनिटी के लिए लड़ता है, तो उस टाइम पे उसका इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाता है दोस्तों, इम्यूनिटी लेवल रिड्यूस हो जाता है। और वो या तो डायबिटिक हो या ना हो, उसमें ब्लड शुगर लेवल का बढ़ने का चांसेस होता है, और जिस कारण से कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी वीक हो जाता है। और वो जो फंगस जो एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे नोज में प्रवेश करता है, वो साइनसेस को अफेक्ट करते हुए आईज में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, फिर हमारे लंग्स को, आर्टरीज को, ये या यूँ बोले किडनीज को, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हुए क्या करता है कि ये हमारे जानलेवा साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये इनके क्या क्या टाइप्स हैं म्यूकर माइकोसिस के, ब्लैक फंगस के, और इसके सिम्टम्स क्या है। अगर आपको आपके परिवार में या आपके पड़ोस में, या यूँ कहें कि किसी को भी अगर इस टाइप का सिम्टम दिखता है, तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आगाह कर रहे हैं कि इस टाइप के सिम्टम को इग्नोर ना करें दोस्तों। तो सबसे पहला जो इसका मोस्ट कॉमन टाइप्स है, राइनोसेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस, राइनोसेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस। तो इसका सिम्टम क्या है दोस्तों, कि अगर आपको एक साइड के आँख में फूला फूला सा पता चले कि एक साइड में स्वेलिंग हो गया है, आँख में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मतलब आँख से दिख नहीं रहा है, ब्लरिंग विजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द हो रहा है दोस्तों, या फिर जब आप किसी अपने साइनस को कहीं पर प्रेस कर रहे हैं एक साइड के, तो बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, आपको आँख बंद करने में भी दर्द हो रहा है, पेन प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी भी टाइप का अगर आपके नोज में अल्सर है ब्लैक टाइप का, या फिर आपको जब छींकते हैं तो आपके नाक नाक से खून जा रहा है, तो ये राइनोसेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस का लक्षण हो सकता है दोस्तों। तो आपको अगर आपके आपके किसी भी जान पहचान में या कहीं भी आपको किसी भी टाइप का ये सिम्टम दिखे, तो इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं। और ये इम्यूनिटी, ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, ये वीक इम्यूनिटी के कारण होता है। और जब कोविड-19 कहा जाता है कि ये जो कोविड-19 से जो रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, उन्हें इनका ज़्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी एस्टेरॉयड के कारण वीक हो जा रहा है, या जिन्हें एचआईवी एड्स है, डायबिटिक पेशेंट, इन सबको थोड़ा ज़्यादा खतरा है दोस्तों, तो इससे बचने का ज़रूरत है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है, वो है पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस। मतलब पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस में क्या होता है दोस्तों, वो जो राइनोसेरेब्रल था, उसमें क्या होता था कि हेडेक होता था, सीवियर हेडेक, हेड में पेन होता था, वहाँ के साइनसेस में पेन होता था, लेकिन पल्मोनरी में क्या होता है कि आपके मतलब सिम्टम, इसका सिम्टम ये है कि छाती में बहुत तेज दर्द होना, इस तरह का दर्द होना कि लगे कि हार्ट अटैक टाइप से दर्द होना, या फिर आप अगर चल रहे हैं तो सांस फूलना, खांसने पर बलगम में खून का आ जाना, तो ब्लड कैंसर वगैरह जिस पेशेंट को है, तो उसे म्यूकर, ये जो पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस, मतलब ये जो ब्लैक फंगस का दूसरा टाइप है, इसका चांसेस है कि उसे होने का ज़्यादा चांसेस है। तो आपको क्या करना है कि इसका प्रिवेंशन भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस। तो ये उतना कोई घातक नहीं है दोस्तों, लेकिन चौथा वाला बहुत घातक है, जिसे जीआई म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है। ये जीआई है, गैस्ट्रो इंटेस्टेनियल म्यूकर माइकोसिस। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन जो होता है, जो इंटेस्टाइन है, वो सीवियरली इसमें इन्फेक्टेड हो जाता है, और ये जो मतलब ये बहुत घातक है। ये जो जीआई म्यूकर माइकोसिस है, इसमें भी मोर्टैलिटी रेट लगभग 80% के बराबर है, मतलब ये भी बहुत घातक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही तेज दस्त आ रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, या फिर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो इस टाइप के
इस टाइप के लक्षण को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, एग्रेसिवली जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अभी इस टाइप के पेशेंट को इग्नोर ना करें और उन्हें कोई अच्छे से अच्छे एडवाइस देने का कोशिश करें। तो चलते हैं दोस्तों अगले की, ये जो डेसिमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस होता है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप का म्यूकर माइकोसिस नहीं, इसमें क्या होता है पूरे शरीर में, यानी कि हेड में, ब्रेन में, सारे साइनसेस में दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, इंटेस्टाइन का खराब हो जाना, कोलाइटिस हो जाना, मतलब कि पूरे शरीर में म्यूकर माइकोसिस का फैल जाना, ब्लैक फंगस का फैल जाना। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक फंगस के कारण अगर कोई पार्ट ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे कोई साइनस के कारण एक 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 साइड इन्फेक्टेड हो गया, तो हमको काट के भी निकालना पड़ जाएगा दोस्तों, या आँख में अगर वो इन्फेक्शन हो गया है तो आँख को निकालना पड़ जाएगा दोस्तों। तो इतना देर ना करते हुए आपको डॉक्टर से पहले ही सलाह ले लेना है। या फिर अगर ये जो डेसिमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस है, जिसमें पूरे शरीर में ये ब्लैक फंगस फैल जाता है, इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। लेकिन इसका कुछ डायग्नोसिस, इसका क्या क्या प्रिवेंशन है, तो ये जो है यहाँ कुछ मेडिसिन्स है जिसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये है इंटरनेट या फिर कुछ सोर्सेस के द्वारा लिया गया ये मेडिसिन्स है। लेकिन इन मेडिसिन्स को लेने से पहले आप डॉक्टर्स का सलाह जरूर लें। ये क्या है, ये जो प्रिस्क्राइब किया हुआ किसी सोर्सेज के थ्रू जो मेडिसिन्स है वो यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, पोसा कोनाजेल और इसावु कोनाजेल कोनाजोल। तो ये सब कुछ मेडिसिन्स है जिसे कि इन ब्लैक फंगस के केस में दिया जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस जो बीमारी है दोस्तों, ये कोई कंटाजेजियस बीमारी नहीं है, मतलब कि ये एक दूसरे से फैलता नहीं है, मतलब अगर किसी को ब्लैक फंगस हो गया है तो कि ये दूसरे में फैलने वाला बीमारी नहीं है दोस्तों, ये खुद से प्रिवेंट होने वाला, इसका 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 इन्फेक्शन को रोकने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करें। आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप योगा करें, प्राणायाम करें, मास्क को प्रॉपर वेयर करें, ठीक है, और कोई अगर किसी टाइप का अगर वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको बैंडेज करके रखें दोस्तों। और जो मतलब एनवायरनमेंट में जाएं तो वहाँ पर किसी भी टाइप के फंगस को अपने मुंह में, मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू शरीर में ना आने देने के लिए आपको मास्क प्रॉपर वेयर करना है, साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और सेफ़ रहना है दोस्तों। तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस था वो था कि आपको आगाह करना ब्लैक फंगस से, ये बहुत ही जानलेवा बीमारी, बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये हमारे साथ सदियों से चली आ रही है। लेकिन अभी वीक इम्यूनिटी जो कोविड-19 पेशेंट में देखा जा रहा है, तो उन्हें ये ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस हो जा रहा है दोस्तों, उनका इन्फेक्शन हो जा रहा है। और उनके टाइप्स हमने देखा, उनके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या हम लोग ये कंटेजियस बीमारी है, तो नहीं है दोस्तों। आप लोग बस क्या करना है, आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सेफ से रहना है, अपने भी सेफ रहना है, अपने घर परिवार, अपने पड़ोसी को भी सेफ रखना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली है तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ आज के लिए अलविदा। और अगर आपको किसी भी टाइप का वीडियो, किसी भी टाइप के टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल में लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।